गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर का ये मेरा वीडियो लेक्चर 2 है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि डेटा इंडिपेंडेंस और मैपिंग क्या होती है। तो मैं अनिल के शर्मा आप लोगों का मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। और जो है, आइए देखते हैं डेटा इंडिपेंडेंस क्या है। डेटा इंडिपेंडेंस, तो डेटा इंडिपेंडेंस के इस टॉपिक को समझने के लिए आप डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर का मेरा जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर है आप उसको भी देखें, क्योंकि डेटा इंडिपेंडेंस के इस टॉपिक में मैं बात करूंगा कि फिजिकल स्कीमा क्या है, उसके बाद लॉजिकल स्कीमा क्या है, व्यू स्कीमा क्या है। तो फिजिकल, लॉजिकल और व्यू स्कीमा के बारे में डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर के वीडियो लेक्चर फर्स्ट में मैंने सारा एक्सप्लेन किया है। तो आप उसको समझने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि हमारे पास फिजिकल स्कीमा है, हमारे पास लॉजिकल स्कीमा है, हमारे पास यूजर व्यू स्कीमा है, यानी कि व्यू स्कीमा है। तो डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि अगर मैं फिजिकल स्कीमा में कोई भी चेंज करता हूँ, फिजिकल स्कीमा का मतलब डेटाबेस का पूरा जो स्टोरेज सिस्टम है, उस स्टोरेज सिस्टम में अगर मैं कोई चेंज करता हूँ तो मेरा लॉजिकल स्कीमा और व्यू स्कीमा में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। अगर मैं लॉजिकल स्कीमा में कोई चेंज करता हूँ तो फिजिकल स्कीमा और व्यू स्कीमा में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। और व्यू स्कीमा में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, अपने रिक्वायरमेंट के इंफॉर्मेशन को अगर मैं फेच करता हूँ तो उससे फिजिकल स्कीमा और लॉजिकल स्कीमा पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो इसी को डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। तो इफ़ आई मेक एनी चेंज इन इंटरनल स्कीमा, इंटरनल स्कीमा का यहाँ पर मतलब है फिजिकल स्कीमा। फिजिकल स्कीमा का मतलब है कि पूरा का पूरा जो डेटाबेस है वो कहाँ पर स्टोर हो रहा है, स्टोरेज डिवाइसेस पे, हार्डवेयर डिवाइसेस पे, तो उसी को इंटरनल स्कीमा बोलते हैं। तो अगर मैं इंटरनल स्कीमा में या हार्डवेयर डिवाइसेस में या स्टोरेज डिवाइसेस में अगर कोई भी चेंज करता हूँ तो देयर मस्ट नॉट बी द चेंज इन कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। तो लॉजिकल स्कीमा, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा मतलब लॉजिकल स्कीमा में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। एक्सटर्नल स्कीमा मतलब व्यू स्कीमा में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो डेटा इंडिपेंडेंस कितने टाइप के होते हैं? तो देर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस। एक को लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस बोलते हैं और दूसरे को फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या है और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या है। तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, इफ आई मेक चेंज इन कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा, देन इट शुड नॉट अफेक्ट एक्सटर्नल स्कीमा, दैट इज यूजर व्यू स्कीमा, एडिशन और रिमूवल ऑफ न्यू एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, रिलेशन टू द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा शुड बी पॉसिबल विदाउट हैविंग टू चेंज एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल स्कीमा। इसका मतलब ये है कि इफ़ आई मेक चेंज इन कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, अगर मैं कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में कोई चेंज करता हूँ, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा मतलब लॉजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा मतलब पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि स्कीमा के अंदर, लॉजिकल स्कीमा के अंदर टेबल्स के नेम डिफाइन करते हैं, उन टेबल्स के एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप को दिखाते हैं, उन टेबल्स के ऊपर हम कॉन्स्टेंट्स अप्लाई करते हैं। तो जहाँ पर ये चारों चीज़ें होती है उसको लॉजिकल स्कीमा बोलते हैं। तो अगर मैं लॉजिकल स्कीमा में कोई चेंज करता हूँ तो इट शुड नॉट अफेक्ट, तो ये अफेक्ट नहीं करना चाहिए एक्सटर्नल स्कीमा या यूजर व्यू स्कीमा पर, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कोई नई एंटिटी को ऐड करता हूँ लॉजिकल स्कीमा के अंदर,
या नई एंटिटी को रिमूव करता हूँ, किसी एट्रीब्यूट्स को ऐड करता हूँ रिमूव करता हूँ, कोई रिलेशनशिप को ऐड करता हूँ रिमूव करता हूँ, ठीक है, किसमें, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में, लॉजिकल स्कीमा में, तो इट शुड बी पॉसिबल विदाउट हैविंग टू चेंज एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल स्कीमा। तो ये सारे चेंजेस हो जाने चाहिए बिना एक्सटर्नल स्कीमा, बिना यूजर स्कीमा पर, यूजर व्यू पर इफेक्ट डाले। तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस को हम क्या कहेंगे कि अगर मैं लॉजिकल स्कीमा में कोई भी चेंज करता हूँ तो उसका इफेक्ट व्यू स्कीमा पर नहीं आना चाहिए, इसी को लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस बोलते हैं। अब चलते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या है कि इफ आई मेक चेंज इन फिजिकल स्कीमा देन इट शुड नॉट अफेक्ट बोथ कॉन्सेप्चुअल एंड एक्सटर्नल स्कीमा। अगर मैं फिजिकल स्कीमा में कोई चेंज करता हूँ, फिजिकल स्कीमा मतलब पूरा का पूरा डेटाबेस हमारा क्या है, हार्डवेयर डिवाइसेस पे स्टोर है, तो अगर मैं हार्डवेयर डिवाइसेस पे या फाइल का जो है अगर मैं नेम चेंज करता हूँ, फोल्डर चेंज करता हूँ, इस तरीके से अगर फिजिकल स्कीमा में मैं कोई चेंज करता हूँ तो वो उसका इफेक्ट ना तो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा पर आना चाहिए, लॉजिकल स्कीमा पर नहीं आना चाहिए, और एक्सटर्नल स्कीमा, व्यू स्कीमा पर नहीं आना चाहिए। जैसे कि ए चेंज टू द फिजिकल स्कीमा, ठीक है, फिजिकल स्कीमा को इंटरनल स्कीमा भी बोलते हैं। तो इंटरनल स्कीमा में मान लीजिए मैंने एक चेंज किया, जैसे कि डिफरेंट फाइल ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ किया मैंने, उसके स्टोरेज स्ट्रक्चर को यूज़ किया मैंने, उसके स्टोरेज डिवाइसेस को मैंने यूज़ किया, इंडेक्सिंग स्ट्रेटजी को मैंने यूज़ किया, और उसमें मैंने कुछ परिवर्तन कर दिया, कुछ चेंज कर दिए मैंने, तो इस तरीके से फिजिकल स्कीमा में मैं चेंज कर रहा हूँ तो इसका इफेक्ट जो है विदाउट हैविंग टू चेंज द कॉन्सेप्चुअल और एक्सटर्नल स्कीमा। तो कॉन्सेप्चुअल और एक्सटर्नल स्कीमा पर बिना किसी चेंज के फिजिकल डेटा, फिजिकल स्कीमा में चेंज हो जाना चाहिए। तो यही है फिजिकल स्कीमा। तो एक बार और मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ कि फिजिकल स्कीमा क्या है। तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या है। तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में क्या होता है कि अगर मैं फिजिकल स्कीमा में कोई चेंज करता हूँ, फिजिकल स्कीमा जैसे कि अगर मैं डिफरेंट फाइल ऑर्गेनाइजेशन को यूज कर रहा हूँ, उसको चेंज कर रहा हूँ, स्टोरेज स्ट्रक्चर को मैं चेंज कर रहा हूँ, स्टोरेज डिवाइसेस को मैं चेंज कर रहा हूँ, या इंडेक्सिंग टेक्निक को मैं चेंज कर रहा हूँ, तो इसका इफेक्ट ना तो कॉन्सेप्चुअल यानी कि लॉजिकल स्कीमा पर आना चाहिए और ना ही जो है व्यू स्कीमा पर आना चाहिए। तो यही है हमारा फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अब देखते हैं कि मैपिंग क्या है। तो मैपिंग इट डिफाइंस द कोरस्पोंडेंस बिटवीन थ्री लेवल्स ऑफ स्कीमा। तो हमारे पास थ्री लेवल्स ऑफ स्कीमा कौन कौन से हैं, व्यू स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा और फिजिकल स्कीमा। तो व्यू स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा और फिजिकल स्कीमा के बीच में जब कोरस्पोंडेंस का काम होता है तो वो काम मैपिंग के थ्रू होता है। तो कैसे वो देखते हैं, इस यूजर रेफर्स टू इट्स ऑन एक्सटर्नल स्कीमा। तो एक्सटर्नल स्कीमा क्या है कि हर एक डिपार्टमेंट में एंड यूजर्स अपना डेटाबेस का एप्लीकेशन स्टार्ट करता है और उसमें एम्प्लॉई आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, लोकेशन आईडी, कुछ भी आईडी डाल करके अपने रिक्वायरमेंट वाली इंफॉर्मेशन को वो फेच कर लेता है। तो जब एंड यूजर्स ऐसे काम करता है तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्कीमा, व्यू स्कीमा। तो इस यूजर क्या करता है, एक्सटर्नल स्कीमा के थ्रू एक रिक्वेस्ट भेजता है इंफॉर्मेशन के लिए। तो DBMS का सॉफ्टवेयर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद उस रिक्वेस्ट को भेज देता है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा के पास, यानी कि लॉजिकल स्कीमा के पास भेज देता है, जिसमें टेबल्स के नेम डिफाइन होते हैं, एट्रीब्यूट्स के नेम डिफाइन होते हैं, रिलेशनशिप डिफाइन होते हैं और कॉन्स्टेंट्स डिफाइन होते हैं।
तो उस रिक्वेस्ट में इंफॉर्मेशन ने जो भी इंफॉर्मेशन मांगी है तो उस इंफॉर्मेशन को कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर चेक करता है कि भाई यूजर ने जो टेबल का नाम स्पेसिफाई किया है, जो एट्रीब्यूट्स के नाम डाले हैं, क्या लॉजिकली वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो फिर डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर क्या करता है, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा से उस रिक्वेस्ट को वेरीफाई करके फिर भेज देता है इंटरनल स्कीमा के पास, फिजिकल स्कीमा के पास, फिजिकल स्कीमा के पास जहाँ पर हमारा पूरा का पूरा डेटाबेस स्टोर है, यानी कि स्टोरेज स्ट्रक्चर के पास, स्टोरेज डिवाइसेस के पास भेज देता है। और भेजने के बाद डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर क्या करता है कि डेटाबेस से जो है यूजर ने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है उस इन्फॉर्मेशन को डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर क्या करता है, रिट्रीव करता है, उसको टेम्परेरी अपने पास स्टोर करता है और स्टोर करने के बाद जो है उस यूजर के पास भेज देता है। तो बेसिकली मैपिंग में यही तीन चीजें होती है कि एक्सटर्नल स्कीमा के थ्रू रिक्वेस्ट आती है सॉफ्टवेयर के पास, उसके बाद जो है लॉजिकल स्कीमा के पास वो चेक होने के लिए चली जाती है कि भाई जो इन्फॉर्मेशन की मांग यूजर कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, और वहां से वेरीफाई होने के बाद फिर वो चली जाती है फिजिकल स्कीमा के पास और वहां से डेटा रिट्रीव करके डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर यूजर के पास भेज देता है। तो अब टेक्निकली समझते हैं कि मैपिंग है क्या। तो द प्रोसेस टू कन्वर्ट ए रिक्वेस्ट फ्रॉम एक्सटर्नल व्यू टू इंटरनल व्यू थ्रू कॉन्सेप्चुअल व्यू एंड द रिजल्ट बिटवीन दैम इज कॉल्ड मैपिंग। तो मैपिंग क्या है, एक प्रोसेस है जो एक्सटर्नल व्यू से जो रिक्वेस्ट आती है वो रिक्वेस्ट जो है लॉजिकल व्यू या कॉन्सेप्चुअल व्यू के पास जाती है, और कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल व्यू के बाद जब उससे वेरीफाई हो जाती है तो इंटरनल व्यू यानी कि फिजिकल स्कीमा के पास जाती है, और जाने के बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को ही मैपिंग कहते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि मान लीजिए एक स्टाफ नंबर है, स्टाफ नंबर का एक एट्रीब्यूट है, एक फील्ड है जो एक्सटर्नल व्यू से जो है डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर के पास आई है, और फिर उसको जो है उस स्टाफ नंबर के फील्ड को फिर जो है लॉजिकल व्यू के पास जो है भेजा जाता है, कॉन्सेप्चुअल व्यू के पास भेजा जाता है, और उसके बाद जो है इंटरनल व्यू के पास भेजा जाता है वेरीफाई होने के बाद। और इंटरनल व्यू या फिजिकल स्कीमा क्या है, जिसके पास पूरा डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन होता है, पूरा स्ट्रक्चर होता है, तो फिर वो क्या करता है स्टोरेज डिवाइस से जो रिक्वेस्ट आई है उसके पास उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन को स्टोरेज डिवाइस से रिट्रीव कर लेता है, और रिट्रीव करने के बाद यूजर के पास भेज देता है। तो ये था मैपिंग के बारे में। अब जो है क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि मैपिंग का डिस्क्रिप्शन कहाँ पर स्टोर होता है। तो मैपिंग डिस्क्रिप्शन जो है वो डेटा डिक्शनरी में स्टोर होता है। तो मैपिंग का डिस्क्रिप्शन का मतलब कि पहले वो एक्सटर्नल व्यू से वो रिक्वेस्ट आई, फिर वो जो है लॉजिकल व्यू के पास वो रिक्वेस्ट गई, फिर फिजिकल या फिर फिजिकल स्कीमा के पास वो रिक्वेस्ट गई, तो ये सारा प्रोसेस जो है ये सारा हमें डेटा डिक्शनरी में हम देख सकते हैं। तो डेटा डिक्शनरी में ये सब स्टोर होता है। तो अब देखते हैं कि डीबीएमएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैपिंग। तो मैपिंग करता कौन है, तो मैपिंग करने का काम जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर करता है। तो डीबीएमएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैपिंग बिटवीन दीज थ्री टाइप्स ऑफ स्कीमा, नेमली एक्सटर्नल, कॉन्सेप्चुअल एंड इंटरनल स्कीमा। तो जो है एक्सटर्नल स्कीमा, व्यू स्कीमा, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा और इंटरनल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा, इन तीनों स्कीमा के बीच मैपिंग करने का जो काम करता है वो करता है डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर। तो कुल मिला जुला करके मैपिंग
यही है। अब देखते हैं कि स्कीमा मैपिंग कितने टाइप्स के होते हैं। तो देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ स्कीमा मैपिंग। पहले को बोलते हैं एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग और दूसरे को बोलते हैं इंटरनल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग। तो आइए देखते हैं कि एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग क्या है और फिर देखेंगे कि इंटरनल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग क्या है। तो एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग जो है इट डिफाइंस द कोरस्पोंडेंस बिटवीन एक्सटर्नल व्यू एंड कॉन्सेप्चुअल व्यू। तो एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल व्यू में क्या होता है कि जैसे नाम से ही पता चल रहा है एक्सटर्नल का मतलब एक्सटर्नल व्यू, एक्सटर्नल स्कीमा मतलब व्यू स्कीमा, और कॉन्सेप्चुअल का मतलब कॉन्सेप्चुअल व्यू, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा मतलब लॉजिकल स्कीमा। तो व्यू स्कीमा और लॉजिकल स्कीमा के बीच में जब मैपिंग होती है तो उसको एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग बोलते हैं। तो इट डिफाइंस द कोरस्पोंडेंस बिटवीन एक्सटर्नल व्यू एंड कॉन्सेप्चुअल व्यू। तो व्यू स्कीमा और लॉजिकल स्कीमा के बीच में जब इंफॉर्मेशन की मैपिंग होती है तो उसको एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग बोलते हैं। इट टेल्स डीबीएमएस विच ऑब्जेक्ट्स ऑन द कॉन्सेप्चुअल लेवल कोरस्पोंडेंट टू द ऑब्जेक्ट्स रिक्वेस्टेड ऑन यूजर्स एक्सटर्नल व्यू। तो ये जो है डीबीएमएस को इसमें ये पता चलता है कि एक्सटर्नल व्यू के थ्रू, व्यू स्कीमा के थ्रू कौन से ऑब्जेक्ट के लिए, कौन से इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट आई है और उसके बाद उस रिक्वेस्ट को जो है लॉजिकल स्कीमा के पास वो भेज देता है, डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर भेज देता है। तो इफ चेंजेस आर मेड टू ईदर एन एक्सटर्नल व्यू और कॉन्सेप्चुअल व्यू देन मैपिंग मस्ट बी चेंज्ड अकॉर्डिंग। तो अगर जो है एक्सटर्नल व्यू में, व्यू स्कीमा में अगर कोई चेंजेस की जाती है या फिर लॉजिकल स्कीमा में कोई चेंजेस की जाती है तो मैपिंग भी चेंज होगा। तो ऑब्वियसली अगर उसके टेबल्स के नेम चेंज कर देंगे, एट्रीब्यूट्स के नेम वगैरह चेंज कर देंगे तो वहाँ पर मैपिंग भी चेंज होगा। तो इसको एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग बोलते हैं। और इंटरनल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग में जो है फिजिकल स्कीमा और लॉजिकल स्कीमा के बीच में जब मैपिंग होती है तो उसको इंटरनल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग बोलते हैं। इट डिफाइन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द कॉन्सेप्चुअल व्यू एंड इंटरनल व्यू, यानी कि लॉजिकल स्कीमा और फिजिकल स्कीमा के बीच में जब कॉरेस्पॉन्डेंस होता है तो उसको इंटरनल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग कहते हैं। जैसे कि डेटाबेस स्टोर्ड ऑन फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस, तो इट डिफाइंस हाउ कॉन्सेप्चुअल रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड एंड रिट्रीव टू एंड फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइसेस। तो इसमें जो है जैसे कि हम जानते हैं कि डेटाबेस पूरा का पूरा फिजिकल स्टोरेज डिवाइस पे स्टोर होता है, तो कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल स्कीमा में सब कुछ डिफाइन होता है कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स बने हुए हैं, कौन कौन से टेबल्स बने हुए हैं, कौन कौन से फील्ड्स बने हुए हैं। तो उसी के हिसाब से लॉजिकल स्कीमा में जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, उसी के हिसाब से फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस पे डेटाबेस का स्टोर होता है। तो क्या करता है कि लॉजिकल स्कीमा के बाद जब फिजिकल स्कीमा में कोई रिक्वेस्ट जाती है तो लॉजिकल स्कीमा के हिसाब से ही फिजिकल स्कीमा से इंफॉर्मेशन को जो है रिट्रीव कर लिया जाता है। तो इट टेल्स डीबीएमएस दैट हाउ द कॉन्सेप्चुअल रिकॉर्ड्स आर फिजिकली जो है रिप्रेजेंटेड। तो डीबीएमएस बताता है कि कॉन्सेप्चुअल रिकॉर्ड्स या फिर लॉजिकल रिकॉर्ड्स जो है वो किस तरीके से फिजिकली एग्जिस्ट करती है। तो इफ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोर डेटाबेस इज चेंज देन मैपिंग मस्ट बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली। अगर डेटाबेस का जो है स्ट्रक्चर उसको अगर हम चेंज करते हैं तो मैपिंग भी चेंज हो जाएगी।
तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीबीए टू मैनेज सच चेंजेस। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डीबीए की होती है कि डीबीए चाहे तो वो उसका जो है लॉजिकल स्कीमा में चेंज कर सकता है या उसके फिजिकल स्कीमा में चेंज कर सकता है। तो लॉजिकल और फिजिकल स्कीमा में चेंज करने के बाद मैपिंग भी उसी के हिसाब से चेंज हो जाती है। तो ये दो टॉपिक है यहाँ पे, एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग और इंटरनल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग। तो इन शॉर्ट एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग का मतलब है कि एक्सटर्नल व्यू मतलब यूजर व्यू, व्यू स्कीमा और लॉजिकल स्कीमा के बीच में जब रिक्वेस्ट का कोरस्पोंडेंस होता है तो उसको एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग बोलते हैं। और लॉजिकल स्कीमा और जो है फिजिकल स्कीमा के बीच में जब रिक्वेस्ट का कोरस्पोंडेंस होता है तो उसको इंटरनल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग बोलते हैं। तो डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर का वीडियो लेक्चर सेकंड जो है मेरा यहीं पे फिनिश होता है। और मेरे वीडियोस को देखते रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो बीच बीच में जो भी वीडियोस मैं डालूँगा उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास आता रहेगा। और फिर आप मेरे वीडियोस को देख करके डेटाबेस से अपडेट होते रहेंगे। तो वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।